देसी कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 48, ठीक है। इसके पहले मैंने 47 ऑब्जेक्टिव ग्रामर पर प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी जरूर वॉच कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही गेव मी डैश फ्यू बुक्स टू रीड। और यहाँ पर डिटरमाइनर का यूज करना है द एंड सम एंड इम से। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखें कि किस तरह से हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है यहाँ पर आपका लिखा है फ्यू बुक्स, ठीक है। अब फ्यू का यूज जो होता है वो तीन तरह से होता है, एक होता है फ्यू एंड अ फ्यू एंड द फ्यू। मैं यहाँ पर जल्दी से इन तीनों के यूजेस बता देता हूँ कि आपको किस तरह से यूज करना है। यदि आप विदाउट ए एन और द के यूज करेंगे फ्यू को, तो इसका मीन्स होता है नॉट मैनी, ठीक है, नॉट मैनी, और मतलब लगभग निगेटिव अर्थ देता है। ये जिस सेंटेंस में फ्यू यूज किया जाएगा वो अर्थ कैसा देगा, निगेटिव, यानी वो चीज़ ना के बराबर है। अब मैंने किसी को किताबें दी पढ़ने के लिए तो कैसी देंगे, ना के बराबर, तो ऐसा तो होगा नहीं। और दूसरा है अफ्यू, अफ्यू मीन्स होता है सम बट नॉट मैनी, ठीक है, अफ्यू मीन्स होता है सम। तो ये यूज सुटेबल होगा क्योंकि यहां पर यूज किया ही आएगा आपका, सॉरी, ए का प्रयोग ही किया जाएगा, अ फ्यू बुक्स टू रीड। एंड द फ्यू मीन्स होता है जो कुछ भी है वो सब, मैंने उसे किताबें दे दी पढ़ने के लिए, ये सेंस आएगा। तो यहां पर आपका जो यूज किया जाएगा वो आर्टिकल होगा ए। चलिए सेकेंड सेंटेंस है यहां पर, इट वॉज डैश यूनिक होटल। और यहां पर हमें यूज करना है आर्टिकल ए एन द या द मोस्ट, तो द मोस्ट का कोई यूज नहीं होता, इसे हम हटा देते हैं। अब देखते हैं यूनिक होटल, जब हम किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, यहाँ पर यूनिक होटल क्वालिटी तो बता रहे हैं, तो आर्टिकल आपको सिंपली ए एन का यूज करना है। अब यूनिट से पहले क्या आएगा तो वो देखें, आपका लिखा हुआ है ये यूनिक, और यूनिक का जब प्रोनंसिएशन होता है तो उसका फर्स्ट जो लेटर है उसका साउंड आता है या से, और या किससे बनता है, बाई से बनता है, और इंग्लिश में बाई क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या यूज किया जाता है, ए आर्टिकल। तो यहाँ भी यूनिट से पहले आपको आर्टिकल यूज करना है ए, तो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट है, ही कैन बी कंसिडर्ड डैश ऑनेस्ट पर्सन, और आर्टिकल यूज करना है ए द एन या मोस्ट में से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखें जो आपका वर्ड है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में एच आपका साइलेंट है, तो इसका जो प्रोनंसिएशन होता है वो होता है ओ से, ऑनेस्ट बोलेंगे, ऑनेस्ट, ठीक है, ना कि हॉनेस्ट। तो ऑनेस्ट को जब प्रोनाउंस करते हैं तो आपका बॉबल साउंड आता है यहाँ पर, और बॉबल साउंड से पहले यूज किया जाता है एन, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका एन, ही कैन बी कंसिडर्ड एन ऑनेस्ट पर्सन। ओके नेक्स्ट सेंटेंस है, द गेट ओपन्ड, दरवाजा खुल गया, द मैन पुश्ड इट, आदमी ने इसे क्या मारा, धक्का मारा। अब हमें सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग करना है, और ऑप्शन है यहाँ पर इफ, बिकॉज, अनलेस एंड टिल। याद रखिए जिस सेंटेंस में ये चारों कंजंक्शन लगाए जाते हैं ना, वो सबसे पहला तो आपका एडवर्ब क्लॉज बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हो रहा, दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुलने का कारण क्या था, तो ये सेंटेंस बनेगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, क्योंकि यहाँ पर इस आदमी ने जो कार्य किया उसका, सॉरी, दरवाजा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है आपका द गेट ओपन, तो दरवाजा खुलने का जो कारण है वो क्या है, कि आदमी ने उसे धक्का मारा। तो इस सेंटेंस में आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का कंजंक्शन प्रयोग करेंगे, और वो होता है आपका बिकॉज, तो यहाँ भी आपका बिकॉज का ही यूज किया जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा बिकॉज। ओके नेक्स्ट है, दे विल विजिट यू, वे तुम्हारे यहाँ आएंगे, दे गो टू द एयरपोर्ट, ठीक है, एंड ऑप्शन यूज करना है यहाँ पर बिफोर, आफ्टर, व्हेन या अंटिल में से। तो यहाँ पर सुटेबल यूज किया जाएगा बिफोर, तो हिंदी अर्थ इसका हो जाएगा वे तुम्हारे यहाँ आएंगे एयरपोर्ट जाने से पहले, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है और यहाँ पर आपको बिफोर का यूज करना है। नेक्स्ट है, वी हैव डैश टाइम टू रीच स्टेशन, एंड डिटरमाइनर यूज करना है ऑल,
इनफ, फ्यू एंड मैनी। ठीक है, अब देखिए ऑल के बाद, ऑल के बाद आपका डिटरमाइनर आता है, क्या आता है डिटरमाइनर, उसके बाद आपका नाउन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोच देखने वाली बात है, यहाँ पर ऑल टाइम नहीं हो रहा, ऑल द टाइम हो सकता था, क्योंकि द क्या हो जाता फिर आपका डिटरमाइनर हो जाता। ठीक है, तो इनफ क्या क्या यूज है देखें कि जब भी सेंटेंस में हमें इनफ का यूज करना हो तो इनफ के बाद आता है नाउन, कई बार एडजेक्टिव के साथ भी इनफ का यूज होता है, तो एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग किया जाता है, याद, जैसे इनफ मनी, इनफ टाइम, इनफ पीपल। ठीक है, इस तरह से, तो इनफ प्लस नाउन, तो टाइम क्या है आपका नाउन है, यहाँ भी इनफ का ही यूज किया जाएगा। फ्यू का यूज क्यों नहीं किया जाएगा, देखें फ्यू के बाद आपका आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन टाइम आपका कैसा है अनकाउंटेबल नाउन, और मैनी के बाद क्या आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ भी टाइम कैसा है अनकाउंटेबल नाउन, तो यानी कि ऑल के बाद क्या आता है आपका डिटरमाइनर आता है, इस सेंटेंस में डिटरमाइनर नहीं है, तो यानी ना तो ऑल का यूज हो रहा, ना फ्यू का यूज हो रहा, और ना ही मैनी का यूज हो रहा, और जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो जाएगा आपका इनफ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश कुकीज टेस्ट ग्रेट, एंड यूज करना इसमें दिस दैट दीज या लिटिल मैसेज। तो सबसे पहले देखें कि दिस के बाद आपका आता है सिंगुलर नाउन, ठीक है, कुकीज कैसा है प्लूरल है, दैट के बाद भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, एंड दीज के बाद आएगा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, एंड लिटिल के बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अब इसमें से हम ध्यान से देखेंगे कुकीज कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले डिटरमाइनर यूज हो रहा दीज, तो यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है दीज कुकीज टेस्ट ग्रेट। ओके, नेक्स्ट है, आई विश्ड टू सी, मैं देखना चाहता था दैट मूवी, उस मूवी को कल, लेकिन आई डैश फाइंड द डीवीडी, लेकिन मुझे डीवीडी नहीं मिल सका, तो यहां पर यूज करना है डोंट, माइट नॉट, वुड नॉट या कुड नॉट। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट टेंस में, येस्टरडे लगा है पास्ट टेंस में, तो फिर ये ऑप्शन भी आपका पास्ट में यूज किया जाएगा, तो यहां से हम डोंट को हटा देते हैं। माइट का यूज कहां किया जाता है, पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए, यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, एंड वुडंट का यूज भी नहीं हो रहा, जो राइट ऑप्शन है वो है कुड, तो यहां पर यूज किया जाएगा कुडंट। आई विश टू सी दैट मूवी यस्टरडे, मैं कल ये मूवी देखना चाहता था लेकिन मुझे डीवीडी नहीं मिल सका, इनकैपेबिलिटी यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट है, आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं पता क्या कहूँ, यू डैश ए लॉयर फॉर एन एक्सपर्ट एडवाइस, यदि आपको एक अच्छी एडवाइस चाहिए तो आपको किससे मिलना चाहिए, किससे आस करना चाहिए, लॉयर से। ओके, तो यहाँ पर हमें मॉडल वर्ब को यूज करना है। अब देखिए आर एबल टू का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि आपकी कैन के सिमिलर होती है, खुद आस से आपको क्या बताएगा, पास्ट की एबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी, परमिशन भी बताता है कई बार, तो वो क्वेश्चन में बताएगा, यहाँ क्वेश्चन नहीं है। मस्ट आस्क या हैव टू आस्क क्या यूज करना होगा, तो यहाँ पर यूज करना है आपको मस्ट आस्क, मस्ट क्या बताता है, कंपल्सन बताता है किसी चीज़ के लिए, तो यानी कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको आपसे क्या कहूँगा कि आपको अच्छी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो फिर आप लॉयर से इसके बारे में अवश्य पूछना चाहिए, तो यही राइट ऑप्शन हो रहा है आपका, मस्ट आस्क यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है, ही डिडंट ज्वाइन अस फॉर कंसर्ट यस्टरडे, वह कल हमारे साथ कंसर्ट ज्वाइन नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका, ही डैश राइट ए रिपोर्ट, यहाँ पर यूज करना है शुड, मस्ट, हैड टू या कुड में से। देखिए शुड किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका, कोई काम यदि आपको लगता है ये काम करना आपके लिए अच्छा है, यानी इट इज गुड फॉर यू टू डू समथिंग, कोई काम करना आपके लिए अच्छा है तो आपको करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग किया जाता है जब आपको लगता है कि ये काम करना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, यानी इट इज नेसेसरी फॉर यू टू डू समथिंग, तो आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल कामों के लिए और स्पेशली देखिए मस्ट प्रेजेंट में यूज करते हैं, और आपने नरेशन पढ़े होंगे तो उसका ये सेंटेंस पास्ट में लिखा है, तो आपने नरेशन में देखा होगा कि मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर भी हैड टू का यूज किया जाएगा क्योंकि हम बात पास्ट ही कर रहे हैं, मस्ट का यूज आपको प्रेजेंट में करना होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा वो हो जाएगा आपका हैड टू, लिखा भी हुआ है, करेक्ट आंसर हैड टू। नेक्स्ट है,
मीना सेड आई राइट अ लेटर चेंज द नरेशन. नरेशन को चेंज करना है यहाँ पर. सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी हुई है, और असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट का यूज हो रहा है, चारों में लगा हुआ है. फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे मीना डेट वर्ड इन सी हो जाएगा, एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस में बदल देंगे. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा मीना सेड दैट सी रॉट ए लेटर, तो आपका ये राइट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स डैश द वीकेंड. और यहाँ पर आपको यूज करना है प्रपोजिशन ऑन, इन, फॉर या ड्यूरिंग. तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कहीं द वीकेंड लगा हो तो इसमें दो प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं, एक होता है ऑन द वीकेंड, एक होता है एट द वीकेंड. डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों का यूज हो सकता है, और यहाँ पर एट का यूज दिया भी नहीं है. तो मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप ऑन लगाएंगे ना तो ये अमेरिकन इंग्लिश में सेंटेंस लिख जाएगा, यदि आप एट द वीकेंड लिखेंगे तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में हो जाएगा. ये डिफरेंस है ब्रिटिश और अमेरिकन में थोड़ा सा, ठीक है, तो याद रखिए. और यदि आपको दोनों मिलते हैं तो नॉर्मली हमारा जो एग्जाम होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश बेस्ड होता है, तो एट वहाँ पर सूटेबल होगा. नेक्स्ट है डैश 1932 अ ग्रेट फायर ब्रॉक आउट डैश लंडन. सबसे पहले देखिए यहाँ पर यूज करना है आपको प्रपोजिशन इन, इन, एट, इन, ऑन, इन या फिर इन एट. तो ये 1932 क्या है, आपका ईयर है, और रूल है कि ईयर से पहले आपको प्रपोजिशन यूज करना होता है इन, ठीक है. एंड अब इसके बाद आ जाइए लंदन से पहले आपको प्रपोजिशन यूज करना है. तो लंदन क्या है, आपकी बिग सिटी है. बिग सिटी और कंट्री से पहले आपको यूज करना होता है प्रपोजिशन इन, तो यहाँ भी आपको इन प्रपोजिशन का यूज करना है. तो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो जाएगा आपका इन और इन, यानी इन 1932 अ ग्रेट फायर ब्रॉक आउट इन लंदन. ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस, दिस आलमंड चॉकलेट डैश मेड बाई ए स्मॉल चॉकलेटियर इन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड. तो यहाँ पर यूज करना है आपको इज, आर, वी या वर, और ये सेंटेंस लगा हुआ है पैसिव वॉइस, ठीक है. अब पैसिव वॉइस में क्या करना है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर यूज है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है पहले से ही. अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. तो दिस आलमंड चॉकलेट सिंगुलर है, सिंगुलर का यूज करना है, आर नहीं आएगा, बी वर्ब भी नहीं हो रही, वर्ब प्लूरल हो रहा, तो यहाँ पर नॉर्मली इज का यूज किया जाएगा. राइट ऑप्शन है आपका वो है इज. नेक्स्ट है टुडे डैश द लास्ट डे ऑफ माई ट्रैक एट माउंट एवरेस्ट, आई एम टायर्ड एंड माई बॉडी इज. टुडे इज क्यों, सेंटेंस देखिए प्रेजेंट में लिखा हुआ है, यहाँ से हमने देखा आई एम टायर्ड प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट ही यूज करना है, इसे हटा देते हैं, ठीक है. इज का प्रयोग किया जाएगा, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माई ट्रैक एट माउंट एवरेस्ट, आई एम टायर्ड एंड मैं थका हूँ और मेरी जो बॉडी है ऊंचाई हो रही है, शेकिंग हो रही है. तो अब ये राइट ऑप्शन है वो है आपका इज एंड शेकिंग यहाँ पर फिल किए जाएंगे. नेक्स्ट है आई थिंक द अटैचमेंट डैश अस वी डैश वेटिंग फॉर ओवर हाफ एन आवर. ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या टेंस देखना होता है. टेंस हमारे होते हैं तीन तरह के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. यहाँ लिखा हुआ है आई थिंक, प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये आगे का सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट में ही बनाया जाएगा. अब सबसे पहले देखें ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है, ये यूज नहीं होगा. फॉरवर्टन यानी डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद फॉरवर्टन कहीं भी नहीं आएगा आपको थर्ड फॉर्म, इसे भी हटा देते हैं. देखिए फिर से फॉरवर्ड लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म में हो जाएगा यानी पास्ट में हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस लिखा है आई थिंक. अब आप देख लीजिए किस में बना है. और यहाँ पर देखते हैं सेंस ऑफ वर्ड के बाद आपका टाइम लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस बनना है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. तो एक्जुलरी वर्ब हैज बीन, हैव बीन के बाद वेटिंग हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन है आपका बोल रहा हैज, फॉरगॉटन एंड हैव बीन. दैट मींस आई थिंक द अटेंडेंट, सॉरी द आई थिंक द अटेंडेंट हैज फॉरगॉटन अस, वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ओवर हाफ एन आवर. तो राइट ऑप्शन है सेकेंड. ओके, नेक्स्ट है रोहित कैन नॉट ड्राइव द कार, चेंज इनटू पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में से चेंज करना है. और यहाँ पर सेंटेंस देखें, सेंटेंस है आपका मॉडल एक्जुलरी वर्ब से. अब सब्जेक्ट बनाएंगे आप द कार को, रोहित कुड नॉट ड्राइव द कार, यहाँ पर द नहीं लगा है. तो चलिए अभी देख लेते हैं, अभी यहाँ पर सेंटेंस सही नहीं है कि द कार कैन है, कैन नॉट बी हो जाएगा, द कार कैन नॉट बी ड्राइवन बाई रोहित. तो राइट ऑप्शन है वो है आपका सेकेंड.
ओके नेक्स्ट है, रीमा वाज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कई बार ये भी से भी लिख के आ जाएगा चेंज द वॉइस, तो यदि सेंटेंस पैसिव में लिखा है तो एक्टिव बना दीजिए, एक्टिव में लिखा हुआ है तो पैसिव बना दीजिए। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपका वो है द होमवर्क, तो ये हो जाएगा द होमवर्क आपका। एडजुलरी वर्ब वाज है, वाज यहाँ भी लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग भी आता है पैसिव वॉइस में, द होमवर्क वाज बीइंग कंप्लीटेड बाय रीमा। राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा थर्ड वन। ओके तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसी तरह के और भी मैंने कई सारे प्रैक्टिस एडेस बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे सारे वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।